यहाँ चैप्टर 10 इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पर आपको एक पजल दी हुई है सॉल्व करने के लिए, बहुत सिंपल पजल है, आप इजीली कर सकते हैं। मैं इसके आंसर आपको नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही आंसर गेस करना और इन्हें फिल कर लेना। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। आपने पूरी प्रोसेस पढ़ ली है डाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है तो वो क्या प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पर आपको थोड़ी हिंट दी हुई है, उससे आप इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द बॉडी ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन। वर्ड अगर आ जाता है तो क्या यूज करना है आपको, वहां पर आंसर आप इजिली बता सकते हैं इसको देखकर। नेक्स्ट है द मस्कुलर ऑर्गन दैट बीट्स वेरी फास्ट आफ्टर स्किपिंग और रनिंग। ऐसा कौन सा एक ऑर्गन है जब आप बहुत तेज भागते हैं या रस्सी कूदते हैं या कोई भी काम जल्दी जल्दी करते हैं तो वो बीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसका आंसर लिख लेना है आपको। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी से वेस्ट का रिमूव होना, वो कौन सी प्रोसेस होती है वो आपको लिख लेना है यहाँ पर। लास्ट है द टिश्यू सीन इन प्लांट्स दैट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि प्लांट्स में हेल्प करता है वाटर को फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो पानी लेकर जाता है दूसरे पार्ट। ओके, तो ये एक छोटी सी क्विज तरह ले सकते हैं आप, पजल की तरह, और ये बहुत सिंपल है। मतलब मैं तो आंसर इसके 2 सेकंड में दे सकती हूँ और आप भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको आंसर नहीं बताया। अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर पर। हम देखेंगे इस चैप्टर में कैसे ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में कैसे चीजें जो है वो एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचती है। उसके बाद हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ह्यूमन में कैसे सर्कुलेशन होता है चीजों का, उसे कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, कैसे ह्यूमंस और एनिमल्स में से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर जाते हैं, एक्सक्रीट कैसे होते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, तभी आएगा जब आप अच्छे से सुनते हैं इस चीज। ठीक है, आप होप आप सभी ने अपनी बुक्स ओपन रखी होंगी ताकि आपके लिए इजी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का। यू हैव लर्न दैट प्लांट अब्सॉर्ब वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम देयर रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द लीव्स। आपने सभी ने ये पढ़ा है कि प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, किसकी हेल्प से, रूट्स की हेल्प से, और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, लीव्स तक। दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर इन द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और फिर वही ट्रांस वही फूड उस फूड को जो फूड उन्होंने प्रिपेयर किया उसे भी वो ट्रांसफर करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक। ओके, सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस टेक प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है और साथ ही में एनिमल्स के अंदर भी होता है। ठीक है, एनिमल्स में भी होता है और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से बने हुए हैं उसमें भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम द ट्रांसपोर्टेशन ऑकर विथ इन द सिंगल सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है एक सिंगल सेल में ही होता है। ठीक है, कैसी प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। कौन से ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक तरह के सेल से बने हुए हैं उनके अंदर क्या होता है, कम ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन का मतलब होता है चीजें अंदर लेना और फिर बाहर करना। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म विथ सिंपल बॉडी सच एज स्पंज एंड जेली फिश दैट लीव इन वॉटर डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो से मतलब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से जैसे स्पंज और जेली फिश ये पानी के अंदर जो रहते हैं उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, मतलब उनके अंदर कोई ऐसा एक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता जो चीजों को सर्क्यूलेट करे। तो वहां क्या होता है, द वॉटर ब्रिंग्स इन फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर देयर बॉडी एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल एज इट गोज आउट ऑफ द बॉडी। जैसे ही पानी अंदर आता है तो वो ऑक्सीजन और खाना दोनों अंदर ले जाता है, और जब बाहर निकलता है बॉडी से तो क्या करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल्स को बाहर ले जाता है। मतलब पास जब होता है वो पानी बॉडी से तब वो चीजें खाने की चीजें अंदर ले आता है, उनकी काम की चीजें अंदर ले आता है, और जब पानी बॉडी से बाहर जाता है तो सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर ले जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर ले जाता है फ्रॉम द बॉडी।
मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू सप्लाई मटेरियल्स टू देयर सेल्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन है या एनिमल्स है, तो उनके अंदर क्या होता है, वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, एक अच्छी तरह पूरा डेवलप्ड सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है जिससे कि उनकी बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन्स के अपने अपने काम होते हैं। कुछ का काम होता है सर्कुलेशन करना, कुछ का काम होता है एक्सक्रीशन करना। तो वो सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, कैसे चीजें जो है वो बॉडी में पूरी तरह सर्कुलर होती है। इन ह्यूमन बींग्स वेरियस सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू एंड फॉर्म द सेल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हमारी बॉडी के अंदर तो रहता ही है ना कितनी चीजें, न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में सभी ऑर्गन में पहुंचना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो कहीं पर भी हो सकती है ना, किसी भी जरिए हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे थे, और सारे सेल्स के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उन सबको कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे सर्कुलेशन होता है, उसके लिए स्पेसिफिक सिस्टम बना हुआ है। दिस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। एक स्पेसिफिक सिस्टम बना हुआ है जिसे क्या करते हैं, सर्कुलेशन होता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशियंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के सही तरह से फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी में सभी ऑर्गन्स में पहुंच जाए, न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचे, और साथ में जो ऑक्सीजन है वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचना चाहिए, हर चीज हमारी बॉडी में सही तरीके से हो, उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ह्यूमन बींग्स हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज कम्पोज ऑफ द फॉलोइंग कम्पोनेंट। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वेल डेवलप्ड है, कुछ भी एड करने की उसमें जरूरत नहीं होती, पूरी तरह से नेचुरली पूरा ही डेवलप्ड है वो। और उसके अंदर कम्पोनेंट्स क्या क्या है, सबसे पहले ब्लड, ठीक है, ब्लड बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में, अगर ब्लड नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी, ठीक है, तो ब्लड होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ब्लड वेसल्स, मतलब जहां से ब्लड पास होगा पूरी बॉडी में उसे कहा जाता है ब्लड वेसल्स। उसके बाद है हार्ट, हार्ट भी हमारा बहुत जरूरी है सर्कुलेशन के लिए, हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट अस लर्न अबाउट दिस इन डिटेल। अब हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या चीजें होती है, ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती है, और हार्ट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड। Blood is a fluid that flows in the blood vessels connecting different parts of our body. The average adult has about 4 to 5 liters of blood and it constitutes about 8% of our body weight. अब ब्लड क्या है, एक फ्लूड है जो हमारी बॉडी ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है, फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में हमारी बॉडी में पूरी तरह फ्लो हो रहा है, चल रहा है वो। एक एवरेज अडल्ट में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है जो कि क्या होता है, बॉडी वेट का 8% प्रेजेंट होता है, ठीक है, 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। विदाउट ब्लड द ह्यूमन बॉडी वुड स्टॉप वर्किंग, अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी। ओके, फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के मेन फंक्शंस देखते हैं हम क्या है। फर्स्ट स्टेप, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स विच इज लेटर एक्सहेल्ड। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में से में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, फ्रॉम लंग्स, लंग्स से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेता है और पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है, और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है लंग से और वो हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। इट कैरीज द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड ही है जो क्या करता है, हमारा डाइजेस्टेड फूड या फिर जो भी न्यूट्रिएंट है फूड के वो ब्लड से स्मॉल इंटेस्टाइन से लेता है और हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी आर ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी फॉर देयर रिमूवल। अब वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी में जो बने हैं उनको किडनी तक लेकर जाता है ताकि वहां से वो इजीली रिमूव हो जाए। इट हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है, कौन, ब्लड। इट ऑल्सो कैरीज हॉर्मोन्स एंड वेरियस एंटीबॉडीज टू द प्लेस वेयर दे एक्ट, और साथ ही में हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स को भी मूव करते हैं, पूरी बॉडी में एंटीबॉडी हॉर्मोन्स भी रहते हैं और एंटीबॉडीज भी रहते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे ब्लड के कुछ फंक्शंस, 5 फंक्शन है। पहला है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को लेना स्मॉल इंटेस्टाइन से, नेक्स्ट था
किडनी तक वेस्ट प्रोडक्ट्स को ले जाना ताकि वो वहां से रिमूव हो जाए। उसके बाद था हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, और साथ ही में हॉर्मोन्स और एंटीबॉडीज को भी कैरी करता है वो, कहाँ पर, पूरे बॉडी में। नाउ कंपोजिशन ऑफ ब्लड, अब ब्लड किससे बना हुआ है वो देखते हैं। इफ यू वेयर टू सी अ ड्रॉप ऑफ ब्लड सिमर अंडर द माइक्रोस्कोप, यू वुड बी अमेज टू फाइंड दैट ब्लड इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सेल्स। आपको अगर देखेंगे आप जब भी स्कूल खुलते हैं या फिर आप यूट्यूब पे भी वीडियो सर्च करके देख लेना, कंपोजिशन ऑफ ब्लड डालोगे ना तो ऐसी एक इमेज आएगी, ठीक है। वो वीडियो में आपको पूरा सही तरीके से और बता देंगे वो। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक ड्रॉप ब्लड का आप अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आप मतलब चौक रह, मतलब आप एकदम शॉक रह जाएंगे कि इतनी चीजें हमारे ब्लड में, ऐसा है हमारा ब्लड। दिखने का कैसा होता है, पानी की तरह होता है, लिक्विड है, कोई हमारी बॉडी में फ्लो रहा है, बट वो ऐसा नहीं होता है। वो बकायदगी से अंदर बहुत सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। अब देखते हैं, हम नाम पता चल जाएंगे आपको तो आपको इजिली आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ठीक है। इट हैज टू मेन कंपोनेंट्स, दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है द लिक्विड कंपोनेंट कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, लिक्विड कंपोनेंट था उसे कहा जाता है ब्लड प्लाज्मा, एंड द सॉलिड कंपोनेंट विच इंक्लूड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड फ्रैगमेंट्स। और उसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड प्लाज्मा होता है 55% और 45% होते हैं ब्लड सेल्स, जो क्या होते हैं, सेल फ्रैगमेंट्स भी कहा जाता है उनको। ईच वन ऑफ दीज हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर बॉडी, और हर एक का अपना एक काम है, इम्पॉर्टेंट रोल है प्ले करने का, तभी वो बॉडी में दिए गए। अब देखते हैं प्लाज्मा का क्या काम है। प्लाज्मा, इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, इट इज पेल येलो इन कलर, कंसिस्टिंग ऑफ 90% वाटर। प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, मतलब लिक्विड पार्ट है ब्लड का। ये किस कलर का होता है, पेल येलो, मतलब येलो से थोड़ा हल्का कलर होता है, ये येलो से थोड़ा हल्का कलर होता है, जिसके अंदर 90% क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है। द रेस्ट 10% कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, आयन सच एज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, न्यूट्रिएंट्स, डिजॉल्व्ड गैसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्टेस सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड। वाटर होता है 90%, और 10% के अंदर प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, आयन्स आ जाते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं सारे, डिजॉल्व गैसेस होती है उसके अंदर, और मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा है जैसे यूरिया या यूरिक एसिड, वो भी इसमें प्रेजेंट रहता है, किसके अंदर, प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा देख सकते हैं आप यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है आपको ये लिक्विड पार्ट, ये क्या है आपका, प्लाज्मा है। ओके, नेक्स्ट है ब्लड सेल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तीन तरह के ब्लड सेल आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड सेल देखते हैं, आरबीसीज, द रेड ब्लड सेल्स और एर्थोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रेड ब्लड सेल क्या है, एर्थोसाइट्स, इनका साइंटिफिक नेम है एर्थोसाइट, और इनका स्पेसिफिक फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। दे कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच गिव्स द ब्लड अ रेड कलर। और ये जो हमारे ब्लड का कलर रेड कलर ना, वो किसकी वजह से आता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन ये एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। You have learned in the previous chapter that hemoglobin combines with oxygen and form oxyhemoglobin, which is then carried to all the cells of the body. अब आपने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा था, अगर आपने रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है, कि ऑक्सीजन, जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं वो, और वो कहाँ जाता है, पूरे हमारे बॉडी सेल्स में पहुंच जाता है। दे हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ 120 डेज, और 120 डेज की इनकी लाइफ स्पेन होती है, 120 डेज के बाद वो वापस नए बन जाते हैं, ठीक है। ये थे आपके आरबीसीज, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद आते हैं आपके डब्ल्यूबीसीज, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। द व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स आर फ्यूअर इन नंबर एंड लार्जर इन साइज कंपेयर टू रेड ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो नंबर में कम होते हैं, पर उनकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द रेड ब्लड सेल। They are colorless, do not contain any pigment, and make up less than 10% of the total cells in body. और ये क्या होता है, कलरलेस होते हैं, इनके अंदर कोई कलर नहीं होता। क्यों नहीं होता कोई कलर, क्योंकि कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, और साथ ही में लेस देन 10% होते हैं ये इन द टोटल बॉडी सेल्स इन द ब्लड। जितने ब्लड में सेल्स है उसके 10% से भी कम ये प्रेजेंट रहते हैं।
दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस बाय डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स दैट इंटर आर बॉडी। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं डिजीजेस से। ऐसा तो होता नहीं ना कि थोड़ी सी अगर मौसम चेंज होता है तो बहुत से होते हैं बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, बहुत से होते हैं जो बीमार नहीं होते मौसम चेंज होने पर। तो जो बीमार नहीं होते उनके व्हाइट ब्लड सेल्स उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि वो बीमार जल्दी ना हो, वो अंदर ही अंदर फाइट कर लेते हैं। देर आर फाइव टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स भी पांच तरह के होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये था आपका सेकेंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड। थर्ड इज प्लेटलेट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी थर्मोबोसाइट्स। थर्मोबोसाइट्स कहा जाता है इन्हें। दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सेल्स एंड आर कलरलेस। ये सबसे कम होते हैं, प्लेटलेट सबसे कम होते हैं और ये भी कलरलेस होते हैं। दे हेल्प द ब्लड टू फॉर्म क्लॉट्स। और ये क्या करते हैं, ये ब्लड हेल्प करते हैं ब्लड में ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट बना। जैसे आप अगर गिरते हैं, चोट लगती है आपको, तो खून बहता है, खून बहने के बाद आपने आपको एंटीसेप्टिक लगा लिया, उसके बाद क्या होता है, वो खून जम जाता है। जो खून जमता है ना उसे कहा जाता है ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड के क्लॉट्स बनने में ताकि ज्यादा खून हमारी बॉडी से बाहर ना जाए। व्हेनेवर देयर इज अ वुंड द प्लेटलेट्स जॉइन टुगेदर एट द वुंड साइट फॉर्मिंग अ नेचुरल बैंडेज प्रिवेंटिंग फर्दर ब्लड लॉस। इनका काम ही ये होता है, बैंडेज बन जाते हैं, बैंडेज की तरह बन जाते हैं ताकि ज्यादा ब्लड जो है वो बॉडी से ना निकले। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीन कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। न्यू ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन द बॉडी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हेमाटोफाइसिस। इट टेक प्लेस इन द बोन मैरो विच इज फाउंड इन द लॉन्ग बोन्स ऑफ आर बॉडी सच एज थाई एंड बोन्स। ये क्या होता है, हेमाटोफाइसिस होता है, ये प्रोसेस होती है जो कि हमारे न्यू ब्लड सेल फॉर्म होते हैं, न्यू ब्लड सेल फॉर्म होते हैं बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ होती है, लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, ये अगर स्कूल खुले होते तो हम जरूर करते हैं इस एक्टिविटी को। माइक्रोस्कोप में आप ब्लड देखते हैं, ठीक है, ब्लड के जो कंपोजिशन है वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं आप, तो आपको ऐसा कुछ नजर आता है। दिखने में ऐसा लगता है ब्लड, पर माइक्रोस्कोप के अंदर आपको सारी चीजें नजर आती है, इसके अंदर कैसे क्या दिया हुआ। ठीक है, तो आप ये पढ़ लेना, सिर्फ आपको समझ आ जाएगा क्या प्रोसेस होती है पूरी करने की। स्टाइल लैंसेट का मतलब होता है यहाँ पर जो सुई होती है ना, इंजेक्शन जिससे लगाते हैं, ठीक है, वो होती है स्टाइल लैंसेट। बहुत सिंपल सी थी ये, बट अब स्कूल नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, बट हाँ मैं आपको दिखा दूंगी एक्चुअल में ब्लड के अंदर होता क्या है। वैसे पिक्चर में आपको यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ ब्लड की जो दी हुई है पिक्चर, उसमें सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ये प्लेटलेट्स है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और ये प्लाज्मा। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक, दैट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब ऐसे पाथ जहां से ब्लड पास होता है पूरी बॉडी में। ब्लड फ्लोज थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्स और वेसल्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू मूव करता है, उसे क्या कहा जाता है, ट्यूब्स भी कहा जाता है या फिर वेसल्स कहा जाता है, मोस्टली हम ब्लड वेसल्स ही कहते हैं। द ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड वेसल्स कितनी तरह के, तीन तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ऑफ द थ्री एंड कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। और कैपिलरीज जो होते हैं वो सबसे पतले होते हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करके रखते हैं, कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज सबसे पतले होते हैं, उससे थोड़े मोटे होते हैं आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज और वेन्स का साइज ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट कैपिलरीज बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं। टेबल 10.1 शोज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंसेस ये दिए हुए हैं आपको, मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं आर्टरीज और वेन्स। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज ऑक्सीजन रिच फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करते हैं, हार्ट से ब्लड लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन है उस ब्लड को लेते हैं हार्ट से पूरी बॉडी में। वेन्स क्या करते हैं, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट फॉर प्योरिफिकेशन। वेन्स के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, आर्टरीज के अंदर द ओनली एक्सेप्शन इन इज द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ब्लड के अंदर उसको लेती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, लंग्स तक लेके जाती है। ठीक है, वेन्स के अंदर क्या होता है, द ओनली एक्सेप्शन इज द पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट।
अब लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट तक जाता है पल्मोनरी वेन से, और पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से लंग पर ले जाती है। दे आर डीप सीटेड इन द बॉडी, ये बहुत अंदर तक बॉडी के अच्छी तरह से फैले हुए हैं पूरे ये। दे लाई क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ द स्किन एंड कैन बी इजली सीन एज ग्रीनिश ब्लू ट्यूब्स ऑन हैंड्स और हैंड्स एंड लेग्स। आपको हाथ में जो नसें दिखती है ना, यहाँ पर जो नसें नजर आती हैं आपको हैंड्स में, ये क्या होती है, ये आपकी होती है वेन्स, ठीक है, ये वेन्स होती है और आर्टरीज आपको नजर नहीं आती। दे हैव थिकर इलास्टिक वॉल्स विच हेल्प टू सस्टेन द प्रेशर विथ विच द ब्लड फ्लोस थ्रू देम। इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक वॉल होती है जो क्या करती है, प्रेशर को हेल्प प्रेशर को ऑब्जॉर्व करने में या प्रेशर को महसूस करने में या हेल्प करती है कि प्रेशर ज्यादा ना लगे, और वो इलास्टिक वॉल जो है वो इजिली हेल्प करती है ब्लड को फ्लो होने। दे हैव थिनर वॉल्स, इनकी वॉल्स होती है बहुत ही पतली होती है। दे डू नॉट हैव एनी वॉल्स, आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कोई ऐसा एक एरिया प्रेजेंट नहीं होता है जो कि खुले और बंद हो या खुले, ठीक है, ऐसा कोई चीज प्रेजेंट नहीं होती। वेन्स के अंदर दे हैव अ सीरीज ऑफ वॉल्स विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। इनके अंदर वॉल्स के अंदर एक सीरीज वॉल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक सीरीज के अंदर ही ब्लड को फ्लो होने देते हैं। आर्टरीज फर्दर ब्रांच नॉट इवन स्मॉलर वेसल्स कॉल्ड आर्टेरियोइड्स विच ज्वाइन द कैपिलरीज। आर्टरीज जो होते हैं वो फर्दर ब्रांचेस होते हैं इनटू इवन स्मॉलर वेसल्स में, और छोटे छोटे वेसल्स भी बन जाते हैं उनके, और उन्हें क्या कहते हैं, ये आर्टेरियोइड्स कहते हैं, और वो किसे ज्वाइन कर लेते हैं, कैपिलरीज को ज्वाइन कर लेते हैं। वेनुलस आर द फाइन ब्लड वेसल्स दैट अराइज फ्रॉम कैपिलरीज एंड ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ वेन। और वेनुलस भी होते हैं फाइन ब्लड वेसल्स, जो होते हैं पतले पतले होते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, फ्रॉम कैपिलरीज, ये कैपिलरीज से निकलते हैं और वेन्स में जाकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंसेस। सबसे मेन डिफरेंस सिर्फ ये फर्स्ट वाला पार्ट है कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज क्या होती है, थिन ब्लड वेसल्स होते हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करके रखते हैं। द वॉल ऑफ द कैपिलरीज आर सो थिन दैट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट टेक प्लेस वेरी इजिली। इतनी पतली होती है कैपिलरीज वॉल कि इजिली कोई भी चीज अंदर बाहर हो सकती है, गैसेस और न्यूट्रिएंट्स जो है वो इजिली टेक प्लेस कर जाते हैं कहाँ पर, कैपिलरीज में, ठीक है। ये आपको कंपैरिजन बता रखा है आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज का, ठीक है। कैपिलरीज का आपको व्हाइट में दिया हुआ है, आर्टरीज रेड में और वेन्स ब्लू कलर में, ठीक है, समझ आ रहा है सभी को ये, देन गिव थम्स अप। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है हार्ट। हार्ट में हमारे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं वो हम देखते हैं अभी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड द लेफ्ट लंग। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड द लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग के थोड़ी से हल्का सा झुका हुआ रहता है, इसलिए कहा जाता है कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, हमारा लेफ्ट साइड, बट वो ऐसा लेफ्ट साइड में नहीं बोल सकते, लेफ्ट साइड थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द रिब केजेस, रिब केज के अंदर ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट रहता है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ योर क्लोज फिस्ट, ठीक है, ये कितना बड़ा होता है, हमारे क्लोज फिस्ट के साइज के बराबर होता है, मतलब ये मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपने मुट्ठी बंद करते हैं तो जितनी आपकी बड़ी मुट्ठी है ना, उतना बड़ा ये आपका हार्ट प्रेजेंट करता है। इट इज मस्कुलर एंड हैज अ पावरफुल पंप लाइक स्ट्रक्चर दैट पंप ब्लड इन टू द ब्लड वेसल्स ओवर 1000 टाइम इन अ डे। ये क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन है ये, ठीक है, ये पंप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इजिली पंप करता है, मतलब चीजों को बाहर ऊपर नीचे ले जाना कर लेता है काम, ये ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल से कितनी बार, 1000 टाइम्स इन अ डे, एक एक दिन में 1000 बार पंप कर लेता है ब्लड। इट बीट्स अबाउट 60 to 80 टाइम्स इन अ मिनट, और 1 मिनट में हार्ट बीट हमारी जो होती है, हार्ट बीट का जो रेट होता है, मतलब 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, उसे कहा जाता है हार्ट बीट। तो 60 to 80 टाइम्स बीट करता है हमारा हार्ट 1 मिनट में। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं पल्सेस, हाथ आपके यहाँ पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेक करते हैं ना आपके नर्व को, तो वो आप उससे भी चेक कर सकते हैं, या आपके यहाँ गले के यहाँ पर भी आपकी जो वेन्स हैं उनके थ्रू भी आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है, हार्ट बीट अपनी गेस कर सकते हैं।
अब हार्ट का स्ट्रक्चर, पहली बात है आपके पहले फोटो देख लीजिए इसका, ये है एक्चुअल हार्ट का स्ट्रक्चर। आप जो फिल्मों वगैरह में देखते हैं ना, वो हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं होता, हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, देखते हैं हमारा हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज होती है। द ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ फोर चैम्बर्स, द अपर राइट एंड द लेफ्ट चैम्बर आर द आर्टेरिया एंड द लोअर राइट एंड द लेफ्ट चैम्बर आर द वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये आपकी आर्टेरिया और ये वेंट्रिकल, लेफ्ट लेफ्ट आरटीएम, ठीक है, और यहाँ पर ये आपकी वेंट्रिकल। द आर्टिया आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल्स, हैव थिनर वॉल्स एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टिया क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं वेंट्रिकल से, थिनर वॉल होती है इनकी, मतलब पतली वॉल होती है, और ये ब्लड को रिसीव करते हैं कहाँ से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। सो दे आर कनेक्टेड टू द वेन्स दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, वेन्स से कनेक्टेड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं टू द हार्ट। हार्ट तक जो ब्लड ले जाते हैं, ये ब्लू वाला पार्ट, ठीक है, हार्ट तक जो ब्लड ले जाते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उन्हें आर्टरिया होते हैं। ये स्मॉल होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्मॉल होते हैं किससे, वेंट्रिकल से, इनकी वॉल जो होती है वो पतली होती है। नेक्स्ट है द वेंट्रिकल्स आर लार्जर स्ट्रॉन्गर पंपिंग चैम्बर दैट सेंड ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। वेंट्रिकल क्या होते हैं, बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्गर पंपिंग चैम्बर होते हैं, मतलब यहाँ पर पंपिंग जो है वो हार्ट की, हार्ट बीट जो है, मतलब हार्ट की जो पंपिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो कहाँ ले जाते हैं, ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, ब्लड को हार्ट के बाहर ले जाते हैं। सो दे आर कनेक्टेड टू द आर्टरीज दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये किससे कनेक्टेड रहते हैं, ये आर्टरी से कनेक्टेड रहते हैं, ताकि यहाँ से ये ब्लड को ले जाए अवे फ्रॉम द हार्ट, पूरी बॉडी के अंदर वो फिर हार्ट को ले जाए। ठीक है, नेक्स्ट है द आर्टरी एंड वेंट्रिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय वॉल्स और पार्टीशन विच हैव वॉल्व इन देम। अब आर्टरिया जो है वो क्या करती है, आर्टरी और वेंट्रिकल सेपरेट करते हैं, एक दूसरे को अलग करते हैं, वो बीच में एक वॉल प्रेजेंट रहती है या वॉल्स होते हैं जो दोनों को अलग कर देते हैं। द वॉल्व अलाउ द मूवमेंट ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। और वॉल्व जब रहता है तो वो मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। द वॉल्व बिटवीन राइट आर्टियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड द ट्रिकप्स वॉल, एंड द वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट आर्टियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड द बाइकर्स वॉल। ये वॉल्व के नाम दिए हुए हैं आपको, अलग अलग नाम दिए हुए, ठीक है, ट्राइकप्स वॉल्व दिया हुआ है और लेफ्ट आरटीएम की तरफ होता है बाइकप्स वॉल। नेक्स्ट दिया है आपको द राइट आरटीएम ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट आरटीएम ओपन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आरटीएम राइट तरफ खुलता है, राइट वेंट्रिकल में खुलता है, लेफ्ट आरटीएम लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है। ड्यू टू दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन द ब्लड फ्लोइंग इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जब ब्लड, ये जो वॉल्स बने हुए, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो जो है वो, ब्लड जो है वो मिक्स नहीं हो पाता है। राइट साइड का राइट में रहता है ब्लड फ्लो, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में ही रहता है। द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो थ्रू द राइट साइड वाइल ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो थ्रू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और राइट साइड की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अ पार्टीशन कॉल्ड द सेप्टम सेपरेट्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रिवेंटिंग मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और जो पार्टीशन है सेप्टम का, वो क्या करता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को मिक्स नहीं होने देता, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है उन्हें मिक्स नहीं होने देता, वरना हार्ट का फिर कोई काम रहेगा ही नहीं ना, वो तो फिर जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ है उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए ये सब क्या होता है, ये लेफ्ट आरटीएम लेफ्ट साइड पे जाता है और राइट आरटीएम का राइट साइड पर ये काम होता रहता है। ओके, अब ये आपको चीज अच्छे से कब समझ आएगी, जब आप एक बार खुद से इसे पढ़ेंगे, ठीक है, खुद से आप पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो एक बार अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, If you understand all the things, then give me thumbs up, and that's all for the class. Okay, now we will meet tomorrow for the next section of the chapter. Thank you so much.